Hello everyone, I'm Dietitian Madhi from Healing Hands Clinic and I welcome you all. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है Why you should be eating sprouted grains and legumes, यानी कि अंकुरित अनाज आपको रेगुलरली क्यों खाना चाहिए. So let's start with the benefits. ये देखा गया है रिसर्च में कि जो लोग अंकुरित अनाज यानी कि sprouted grains या sprouted legumes अपने डाइट में हफ्ते में एटलीस्ट चार बार इंक्लूड करते हैं, they are at a very lower risk of having a stroke or a heart attack. यानी कि आपका जो हार्ट डिजीज है वो एकदम कम हो जाता है अगर आप हफ्ते में 4 से 5 बार अपने डाइट में स्प्राउटेड ग्रेन्स और लेग्यूम्स इंक्लूड करें. उसके अलावा जब आप स्प्राउट करते हैं या जर्मिनेट करते हैं या तो ग्रेन्स को यानी अनाज या दाल या पल्सेस को, उससे क्या होता है कि स्प्राउटिंग प्रोसेस में काफ़ी सारे कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम पेप्टाइड्स कहते हैं. पेप्टाइड से ब्लड प्रेशर भी कम होता है. तो जो मरीज हाइपरटेंशन के शिकार है या जिसको हाइपरटेंशन काफ़ी सालों से है, मेक श्योर आप अपने डाइट में स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड स्प्राउटेड पल्सेस डेफिनेटली इंक्लूड करें, क्योंकि उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में लाया जा सकता है. दूसरा बेनिफिट ये देखा गया है कि जब आप स्प्राउट्स अपने डाइट में या तो कच्चा या तो आप उसे स्टीम करके या उसका सब्जी बनाकर इंक्लूड करते हैं, तो उससे आपका फास्टिंग ब्लड शुगर भी कम हो जाता है. यानी कि जो ब्रेकफास्ट के पहले जो डायबिटीज के मरीज होते हैं जब अपना शुगर ब्लड शुगर चेक करते हैं तो उसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है. तीसरा बेनिफिट ये देखा गया है कि इम्यूनिटी बूस्टर इसे कहा जाता है, क्योंकि जब आप स्प्राउट करते हैं यानी कि जर्मिनेट करते हैं किसी अनाज को या पल्सेस या लेग्यूम्स को, तो उसमें विटामिन सी का जो कंटेंट है और जिंक का जो कंटेंट है वो काफ़ी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है. अक्सर देखा जाता है कि जो लोग इम्यूनिटी में लो हो जाते हैं, अभी एज वी नो इट्स वी आर फेसिंग द थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस, तो काफ़ी लोग दे गो फॉर फार्मास्यूटिकल दे स्टार्ट यूजिंग दी सप्लीमेंट्स, विटामिन सी सप्लीमेंट्स, दे स्टार्ट यूजिंग जिंक सप्लीमेंट्स. लेकिन ये दोनों न्यूट्रिएंट्स नेचुरली फूड में प्रोड्यूस किया जाता है जस्ट बाय स्प्राउटिंग और जर्मिनेटिंग योर सीरियल्स. So make sure to include it in the form of sprouts first thing in the morning as a breakfast dish. या तो आप कभी भी दिन में उसे खा सकते हैं. You can store it very well for 2 to 3 days in the refrigerator. So without even hampering its taste or texture. So make sure अगर आपको सर्दी या खांसी है, अभी काफ़ी seasonal changes भी होते हैं, we are facing a lot of climatic changes. तो काफ़ी बच्चों को बड़े बुजुर्गों को they face a lot of sneezing and running nose and coughing problem. तो your immunity can be boosted by just including these simple grains in your diet. चौथा बेनिफिट ये देखा गया है कि इंडिया इज अ कंट्री वेर इन 70-80% जो लोग हैं प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं. तो जब कोई प्रोटीन डेफिशिएंट होता है, हम क्या करते हैं, सिंपली उनके खाने में दाल का मात्रा बढ़ा देते हैं. वी स्टार्ट इंक्लूडिंग दाल्स इन देयर डाइट. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो प्रोटीन कंटेंट दाल्स में है, अगर वो आप स्प्राउट्स के प्रोटीन कंटेंट से मैच करोगे, आप कंपेयर करोगे, तो स्प्राउट्स में जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रोटीन कंटेंट ऑफ दाल्स. वो इसलिए क्योंकि जब आप स्प्राउट करते हैं पल्सेस को, तो उसमें जो इनहिबिटर्स होते हैं जैसे हम प्रोटीएस इनहिबिटर्स कहते हैं, वो उसका कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है. ये प्रोटीएस इनहिबिटर्स क्या करता है, दीज इनहिबिटर्स स्टॉप प्रोटीन फ्रॉम बींग डाइजेस्टेड फ्रॉम बींग एब्जॉर्ब इन द बॉडी. ओके, तो ये जो प्रोटीएस है इनहिबिटर्स, इसका कंटेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है यानी स्प्राउट द पल्सेस. तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटीन कंटेंट है स्प्राउट्स में वो बढ़ जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रोटीन डेफिशिएंट, या अगर आपका इम्यूनिटी भी कम है और इफ यू आर फेसिंग एनी स्किन प्रॉब्लम्स, अगर आपको काफ़ी हेयर फॉल होता है, आपके नाखून बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, इफ़ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज लाइक हार्मोनल इश्यूज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाइट में स्प्राउट्स इंक्लूड करें, क्योंकि उसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट आजकल काफ़ी अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन इश्यूज, लॉट ऑफ मूड स्विंग्स काफ़ी लो लोगों को महसूस होता है कभी कभी, एंड स्पेशली सीन इन PCOD पेशेंट्स, जो लड़कियां हैं प्यूबर्टी एज में, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ दीज मेंटल चैलेंजेस. वो इसलिए क्योंकि आपके जो ब्रेन में उसे हम काइंड ऑफ वी कॉल इट काइंड ऑफ अ कंपाउंड जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, वो कंपाउंड के लेवल्स काफ़ी कम हो जाते हैं. सो द बेनिफिट ऑफ ईटिंग स्प्राउट्स इज दैट आपका जो डोपामाइन कंटेंट है आपके पल्सेस में वो बढ़ जाता है.
So if you're facing anxiety issues, nervousness, so make sure, you know, or if you're facing any sleep related issues, if you have insomnia, make sure you include sprouts in your diet at least 4 to 5 days in a week. What are the benefits of eating sprouted pulses and legumes? लेकिन आगे चलते हैं, let's see, you know, what all pulses, legumes या greens को हम sprout कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे ग्रेन्स और लेग्यूम्स लिए हैं जिसे यू नो स्प्राउट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन है मटकी, वी ऑल नो मटकी एंड मूंग, दिस इज़ वेरी कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस होल्ड. लेकिन इसके अलावा देर आर अदर ग्रेन्स एंड पल्सेस विच कैन ऑल्सो बी स्प्राउटेड, जैसे कि यहाँ पे उड़द है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इट्स द सेम यू नो टेक्निक, लाइक यू हैव टू सोक इट ओवरनाइट एंड देन ड्रेन द वाटर, पानी को आप चेंज कर दीजिए एंड देन लेट इट ड्राई इन अ स्ट्रेनर फॉर एटलीस्ट 8 to 10 hours, तो स्प्राउट्स जो है वो निकल आते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली स्प्राउट उड़द ऑल्सो. उसके अलावा आप नाचनी, बेसिकली नाचनी को भी स्प्राउट किया जा सकता है. देन वी हैव बाजरा, okay, we have sprouted bajra as well and jawar. So very few of us know that these grains can also be sprouted. और उसका जब sprout किया जाता है उसका nutrition value, nutrition composition और बढ़ जाता है compared to the you know the grains that we have that we eat normally. So आप ये sprouts को अपने diet में include कैसा कर सकते हैं? So basically जब आप sprout करते हैं तो automatically it's you know it's easy to eat it raw. अगर आप डाइजेशन इश्यूज फेस करते हैं, यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है या एसिडिटी है या एनी अदर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, तो मेक श्योर आप इसे कच्चा ना खाएं. यू ओनली हैव टू स्टीम इट, डू नॉट बॉइल इट, जस्ट स्टीम इट. यू कैन स्टीम एंड डेफिनेटली यू कैन ईट इट लाइक अ चाट, यू कैन ऐड सम इमली चटनी, यू कैन ऐड सम दही ओवर इट एंड कंज्यूम इट एज अ ब्रेकफास्ट यू नो आइटम और मे बी इन द इवनिंग्स व्हेन यू हैव द पैन लेवल्स गो वेरी हाई. And one important thing that I want to share here is we have powders. So, ye powders basically we made a bajra powder. So, it is not the original bajra, the bajra you know grain that we get in the market. It is sprouted bajra, jiska humne powder banaya hai. So, yahan pe jo bajra hai, sprouted bajra, humne kya kiya hai? So, dry roast kiya hai. ड्राई रोस्ट करने के बाद में या तो आप उसे हैंड पाउंड कर सकते हैं या मिक्सर में उसे ग्राइंड कर सकते हैं एंड यू गेट दिस पाउडर. सो वी हैव अ बाजरा पाउडर विद अस, वी हैव द सेम वे नाचनी पाउडर एंड जवारी का पाउडर है हमारे पास. तो जो बेसिकली जो स्प्राउट्स है उसका पाउडर हमने बनाया है. नाउ हाउ कैन यू यूज दीज पाउडर्स? इट इज़ वेरी सिंपल. ये खास तौर पे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फेंट्स, जो कि 1 महीने से 2 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं खास तौर पे उनके लिए यूज़ किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टॉप फीड्स या फॉर्मूला फीड्स, क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है. इट इज़ फ्री ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव्स, एनी फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड एनी अदर आर्टिफिशियल कंपाउंड्स. तो बेसिकली आप इसका यू कैन एड इट टू मिल्क, यू कैन मिक्स इट अप विद मिल्क एंड गिव योर चाइल्ड, यू कैन मिक्स इट अप विद वाटर एंड गिव योर चाइल्ड, या आप इसे सूप्स में ऐड कर सकते हैं एज करीज और इन दाल्स और सो इट्स बेसिकली अ वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव फॉर योर चिल्ड्रन. सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्राउट्स एंड जर्मिनेशन प्रोसेस. होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. इफ यू डिड प्लीज डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. If you have any question related to this video, you can write to us in the comment section below. See you next time. Till then, take care. Bye-bye.